हेलो एवरीवन मेरा नाम है कृणाल नायक और आई एम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर मोर इमिग्रेशन इन मेलबर्न और स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे सेशन में जहाँ पे हम जानेंगे कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट अगर आप हो तो अगर ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो सो मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड एंड वेरी रिनाउंड ऑक्यूपेशन इन ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे काफ़ी मेडिकल साइंटिस्ट की डिमांड ज़्यादा है जस्ट आफ्टर कोविड दिस रिक्वायरमेंट हैज़ आल्सो बीन रेज बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ शॉर्टेज इन ऑस्ट्रेलियन लेबर मार्केट फॉर मेडिकल साइंटिस्ट सो अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट हो और अगर ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो तो दीज आर योर पाथवे सो नंबर वन अगर आपका मेडिक एज अ मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट आपका ऑक्यूपेशन वन एटी नाइन वन नाइनटी फोर नाइन वन फोर एट टू वन एटी नाइन सारे ऑक्यूपेशन लिस्ट में हैं दैट मीन्स कि अगर आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिवली हो जाता है इन दैट केस आप अच्छे से एज अ मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो सकते हो लेकिन यहां पे डिमांड जैसे ज्यादा है वैसे उनके रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट हो तो आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हाई स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा तो आज के वीडियो में जानते हैं कि एज अ मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट अगर आप ओवरसीज या ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो तो कैसे आप पी ले सकते हो तो चलिए पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट की जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है जिन्होंने यहाँ पे अपना मास्टर्स डिग्री मेडिकल मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट या बैचलर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का कोर्स ऑस्ट्रेलिया से किया है उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेस है अगर आपने अपना कोर्स एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटी से किया है देन बेसिकली आपको अपना कोर्स कंप्लीशन लेटर और ट्रांसक्रिप्ट लगा के ए जो आपका ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड क्लिनिकल साइंटिस्ट उनका शॉर्ट फॉर्म है एम्स आपको एम्स में अप्लाई करना है फॉर द बेसिकली स्किल असेसमेंट आपको स्किल असेसमेंट प्रोसेस पहले करना है इस स्किल असेसमेंट के लिए अगर आपका ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है देन यू डू नॉट नीड एनी एक्स वर्क एक्सपीरियंस आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो आफ्टर स्ट्रेट अवे आफ्टर कोर्स कंप्लीशन लेकिन फर्स्ट ऑफ अगस्त से उनका इंग्लिश का रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई बार पे जा रहा है एंड दे वांट सेवन ईच फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स अपलाइंग एज अ मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट सो अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट अप्लाई कर रहे हो देन सेवन ईच इज़ कंपलसरी आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट अगर फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से पहले अप्लाई कर रहे हो इन दैट केस सेवन ओवरऑल इज मैंडेटरी वो कंपलसरी है वो आपको अटैच uh, करना ही पड़ेगा आपका स्कोर सो so, आपका सेवन ओवरऑल या सेवन ईच आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट 2023 एंड योर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स एंड दैट विल मेक योर एप्लीकेशन टू ए आई एम एस अगर आप ए आई एम एस में अप्लाई करते हो उनका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा लेकिन वेट इज वर्थ जैसे ही आपका स्किल असेसमेंट आ जाता है यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर द पाथवे मैं आपको बताता हूँ आफ्टर स्किल असेसमेंट आगे कैसे जाना है अब विल टेल यू की पहले ऑफ शोर अप्लीकेंट अगर आप हो तो एज ए मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट कैसे अप्लाई कर पाओगे सो so, मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट जिन्होंने यहाँ ओवरसीज से बैचलर्स या मास्टर्स की हुई है एंड दोज हु आर वर्किंग एज ए मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट उनके लिए ये स्ट्रेट अवे पाथवे नहीं है उनको पहले उनका इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और दूसरा एक दूसरा टेस्ट जो ए आई एम एस कंडक्ट करता है वो आपके लोकल कंट्री में भी आप दे सकते हो तो आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा जहाँ पे वो दे विल चेक योर स्किल्स कि आपका स्किल मेडिकल ऑस्ट्रेलियन मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट के इक्वलेंट है कि नहीं So once you do that test and you pass that test, then you can apply for uh, AIMS skill assessment, including your degree qualification and your uh, test result plus your uh, ILTS. I think I've mentioned already English. So apply for AIMS and once you get the positive skill assessment, then you can go further uh, for the uh, VPR uh, application process. तो पी आर एप्लीकेशन प्रोसेस में सेम स्टेप्स रहेंगे आपके लिए भी जैसे ही आपका स्किल असेसमेंट आ जाता है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अ फॉर द इंग्लिश टेस्ट आपको यहाँ पे स्किल असेसमेंट के लिए ही टेस्ट चाहिए इंग्लिश का तो आपने ऑलरेडी इंग्लिश का टेस्ट क्लियर कर लिया है तो आपका इंग्लिश का टेस्ट और आपका स्किल असेसमेंट प्लस योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सब मिला के अगर आपके सिक्सटी फाइव पॉइंट्स बन जाते हैं

क्योंकि अगर जो ऑन शॉर स्टडी की है उनको ऑस्ट्रेलियन स्टडी के पॉइंट मिल जाते हैं कुछ रीजनल स्टडी करते हैं तो रीजनल स्टडी के भी पॉइंट्स मिल जाते हैं इन एंड ओवरऑल अगर जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट अप्लाई करेगा 189 या 190 वीज़ा के लिए वो मिनिमम 70 75 पॉइंट्स पे तो अप्लाई करते ही हैं ऑन शॉर पे तो जो लोग ऑफ हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा कि ट्राई एंड गेट दैट स्कोर वो स्कोर अचीव करने का बहुत ट्राई कीजिएगा बिकॉज जो लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं उनके पास पॉइंट स्कोर का एडवांटेज ज़्यादा रहता है तो आपको वो नुकसान ना जाए दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपने जैसे आपका स्किल असेसमेंट आ गया आपका इंग्लिश हो गया और आपने ई आई लॉन्च कर दिया है देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्टेट नॉमिनेशन यहाँ पर सिर्फ स्टेट नॉमिनेशन नहीं बिकॉज दिस ऑक्यूपेशन इज एलिजिबल अंडर वन एट नाइन वीजा एज़ वेल तो अब अपने सारे ई आईज़ वन एटी नाइन का वन का और अगर आप फोर में भी जाना चाहते हो तो 491 का भी ई आप लॉन्च कर सकते हो एंड साथ साथ आप अपने स्टेट नॉमिनेशन भी लॉन्च कर दीजिए वंस यू गेट स्टेट नॉम कोई जो भी स्टेट आपने अप्लाई किया होगा वो आपको नॉमिनेट करेगा देन यू विल गेट इन्विटेशन और अगर अल्टरनेटिवली वन एट नाइन का भी राउंड हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको इनविटेशन मिलने के चांसेस बहुत हैं काफ़ी लोगों को सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव पॉइंट्स पे इनवाइट आए हैं तो यस इट इज़ वेड गुड ऑक्यूपेशन टू गेट इनवाइटेड एट व वेरी लो बार पॉइंट काफ़ी लो बार पॉइंट पे भी आपको इनवाइट मिल जाते हैं तो यस वाई वेट देन वंस यू गेट योर स्किल असेसमेंट वंस यू अप्लाई फॉर ई यू आई वंस यू गेट योर नॉमिनेशन एंड वंस यू गेट द इनविटेशन स्ट्रेट अवे फिर आपको वीज़ा अप्लाई कर देना है एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑल्सो फॉल्स अंडर द हेल्थ ऑक्यूपेशन तो दैट्स वाई यू गेट द हाइस्ट प्रायोरिटी फॉर द वीज़ा प्रोसेसिंग एज वेल और बिकॉज ऑफ़ द शॉर्टेज काफ़ी हमने देखा है कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट के पी भी काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो जाते हैं तो आपका भी उस कैटेगरी में हो सकता है अल्टरनेटिवली आप एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड पाथवे भी एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपको जी एस पाथवे में नहीं जाना है सम हाउ आप सिक्सटी फाइव पॉइंट स्कोर नहीं कर पा रहे हो और आपके पास uh, 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 वन एट सिक्स या फोर एट टू के लिए इनफ एक्सपीरियंस हैं फोर एट टू के लिए आपको दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए वन एट सिक्स के लिए आपको तीन साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर दोनों में से अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस के रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो और आपके पास यहाँ ऑस्ट्रेलिया से एक स्पॉन्सर्ड बिजनेस है जो आपको स्पॉन्सर करने को रेडी है इन दैट केस आप एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ा भी इजीली अप्लाई कर सकते हो फोर एट टू एक टेम्पररी वीज़ा है वो दो साल का होगा दो साल काम करना पड़ेगा उसके बाद आपको पी आर मिलेगी जबकि जो आप दूसरे वन एट सिक्स में वीज़ा में जाओगे देन दैट्स अ परमानेंट वीज़ा यू कैन स्ट्रेट अवे बिकम ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट एंड एंड आपको अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है तो जॉब भी साथ साथ मिल जाएगी तो इससे अच्छा क्या हो सकता है तो 186 एट सिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा टू अप्लाई और एज ए मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट आप 186 एट सिक्स वीज़ा अप्लाई कर सकते हो सो दिस इज द फॉर्मल प्रोसेस टू बिकम अ रेजिडेंट ऑस्ट्रेलियन टू अचीव द ऑस्ट्रेलियन परमन रेजिडेंसी अंडर द मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट पाथवे हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी एक नया वीडियो बना रहे हैं तो जल्द ही रिलीज करेंगे सो प्लीज स्टे टून स्टे कनेक्टेड विद ग्रोमर इमिग्रेशन आई एम कृणाल नाइक योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट सैनिंग ऑफ फॉर टुडे विद द प्रोमिस टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो प्लीज स्टे And wait for our next video. Thank you so much.